हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। एक बार फिर से हाजिर है मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती से संबंधित एक नए अपडेट के साथ। मल्टीटास्क वर्कर के पदों की काउंसलिंग 15 से, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सुजानपुर ने दी जानकारी। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें तो लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सुजानपुर सुरेश कुमार जी ने बताया कि खंड प्रारंभिक शिक्षा विभाग सुजानपुर के तहत आने वाले राजकीय माध्यमिक व प्राथमिक में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स के पद एसडीएम सुजानपुर डॉक्टर हरीश गज्जू की अध्यक्षता में 15 से 18 जून तक राजकीय प्राथमिक केंद्र पाठशाला कन्या सुजानपुर में 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी काउंसलिंग। उन्होंने बताया कि 15 जून को राजकीय प्राथमिक पाठशाला नलाही, खैरी, खनौली, चबूतरा, सुजानपुर बाल, भटेरा, पटलांडर, छौटी व सुजानपुर कन्या पाठशाला के लिए पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के साक्षात्कार होंगे। 16 जून को राजकीय प्राथमिक पाठशाला लोंगणी, धैल, जंगल, धमडियाना, डडर, निहाली, थाना टिकर, टपड़े, जुलानी, बनाल, टिकड़ू, डेहरी डोली व टिक्कर स्कूलों में जिन अभ्यर्थियों ने पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के लिए आवेदन किया है उनकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। और इसी प्रकार 17 जून को राजकीय प्राथमिक पाठशाला चमियाना, धनोटू, कक्कड़, कनेरल, भडीन, कसीरी महादेव, खिड़की, पलाही, चौरी, लंबरी, रंगड़ व बैरी के लिए काउंसलिंग होगी। 18 जून को राजकीय प्राथमिक पाठशाला गिरथौली, करोड़, री, भटलंबर, नलाही, कशीरी महादेव, डोली, री, लंबरी, तिहरा, मणिहाल, ढैल व खनोली स्कूलों के लिए जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उनकी काउंसलिंग होगी। और दोस्तों, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार जी ने बताया कि आवेदनकर्ता ने जिस जिस पाठशाला के लिए पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के लिए आवेदन किया है वे आवेदनकर्ता उच्च पाठशाला के लिए निर्धारित तिथि को काउंसलिंग में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग के दौरान सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ में फोटोस्टेट कॉपीज का एक सेट भी साथ में लेकर आएं। उन्होंने संबंधित पाठशालाओं के स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्षों को, जो कि चयन कमेटी के सदस्य भी हैं, उनसे आग्रह किया कि वे भी निर्धारित तिथियों को काउंसलिंग में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो ठीक है दोस्तों, इस अपडेट में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे इसी प्रकार के एक नए अपडेट में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।